हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, व्लॉग तो सुबह ही शुरू हो चुका था चाय के साथ। बस देर हो रही थी इसलिए चाय बनाते बनाते समय थोड़ा सा सूट किया, क्योंकि बच्चों के पेपर हैं, पेपर देने गए हैं, उन्हें ऑफिस जाना था इसलिए टाइम नहीं लगा। तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, काम मेरा सब हो चुका है तो सोचा थोड़ा आप सूट कर लेती हूँ। तो मैं सब्जी चढ़ाने जा रही थी। चलिए, सब्जी मैं काट चुकी हूँ फटाफट। प्याज काट लेते हैं और हरी मिर्च। सब्जी चढ़ा देते हैं। चलिए, जीरा हो गया है, प्याज हरी मिर्च डाल लेते हैं। ये मसाला हो चुका है, मसाले डाल देती हूँ अब सा। सब्जी मैंने चढ़ा दी है, पानी डाल दिया है क्योंकि बच्चे चूर के रोटी खाते हैं, पानी ज़्यादा डाला है इसलिए। अभी बन जाती रहेगी। आटे का पानी भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इधर आटा भी छान लिया है। फटाफट आटा गूंद के रोटियां बना देती हूँ। चलिए, सब्जी बन चुकी है। गैस मैंने बंद कर दिया था, दूसरे पे शिफ्ट कर दिया। अब रोटियां बना लेती हूँ फटाफट। चलिए दोस्तों, मेरा खाना पूरा रेडी हो चुका है। देखिए, रोटियां भी बन चुकी हैं और अभी स्कूल से फोन आया है। गोल्डी का पेपर नहीं, आज पीयूष का पेपर है तो उसको लेके गया है स्कूल। स्कूल बहुत दूर है ना, गोल्डी ही लेके गया उसको। वो बाहर बैठा है, फोन करा है उसने बाहर से, तो उसको साथ लेके आया गया। गोल्ड पीयूष को अभी अच्छी तरह रास्ता नहीं पता, तो कह रहा है मम्मी मैं इतने स्कूल से इसको लेके आऊंगा, मेरे लिए रोटी चूर के रख देना। तो उसके लिए रोटी मैं चूर के रख देती हूँ, आके दोनों भाई खा लेंगे। मैं खाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद। चलिए, आप भी खा लीजिए खाना। ये बच्चों के लिए खाना बड़े इसमें चूर के रख दूंगी, दोनों भाई खा लेंगे आके। चलिए, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। जी दोस्तों, नीचे झाड़ू पोछे वाला आया हुआ था, मैंने ये लिया है, जाले झाड़ने वाला है ये। मगर मुझे इससे वो क्या कहते हैं, सिंटेक्स साफ़ करनी है। सिंटेक्स के अंदर हाथ नहीं पोंछता, तो शाम को सिंटेक्स साफ़ करूँगी, ये उसके अंदर अच्छी तरह पोंछ जाएगा। देखिए, ये मैंने लिया है सिंटेक्स, इससे अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। देखिए, ये इतना बड़ा है और बड़ा हो जाता है, ये जाले भी झाड़ने के काम आ जाएगा घर में। और सिंटेक्स में ना, इसके साइड है, मैंने छत लगवाई है तो उसके अंदर से ना खोल के ढक्कन पूरा ऐसे जैसे साफ कर दे हो नहीं सकता, इसलिए मैंने ये लिया है ब्रश। ब्रश 200 रुपये का बोल रहा था पर मैंने 130 का लिया है। शाम को इसे सिंटेक्स साफ करूंगी खाली करके। 1:30 बजने वाला है। खाना बच्चों का करके रख दिया था, इतनी जल्दी फ़ोन कर दिया था, खाना बनाया था सब। और मैं अभी
नहा तो मैं पहले ही ली थी, बस कपड़े मैंने वही डाल लिए थे और नीचे आ गई हूँ, बच्चों का वेट कर रही हूँ। और कमरे के लिए वॉलपेपर कुछ सिलेक्ट किए थे, तो दो तीन जगह घूम लिए हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। अभी भी फ़ोन आया मेरे हस्बैंड का, तो वो दुकान पे मुझे जो वॉलपेपर दिखा रहे हैं वो मुझे पसंद ही नहीं आ रहे हैं, और जो हमें पसंद है वो बहुत दूर से, पता नहीं कहाँ बता रहे थे, फ़ोन करके देखा था, जैसे वो जो लगाने वाले होते हैं क्या, उसका चार्ज बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, एक दीवार का 10,000 से ऊपर बैठ जाएगा यूँ कह रहे हैं। तो अभी इसके डैडी अभी दुकान से फ़ोन करा है, मुझे बहुत सारे वॉलपेपर दिखाए हैं उन्होंने, तो ऐसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ कि मुझे साथ लेके चलना, तो देखते हैं। अभी तो ऑफिस में ही, ऑफिस से कहीं काम से गए थे, तो रास्ते में कह रहे थे वॉलपेपर की दुकान है, तो मैं वहीं से फ़ोन कर दिया था कि पसंद कर लो, मगर मुझे कुछ भी वहाँ पसंद नहीं आया। तो मैं कह रही हूँ खुद साथ जाऊँ उनके और देख के आऊँ, और बच्चों का भी वेट कर रही हूँ। और देखिए ये बीच कमरे में जो खिड़की मैंने बंद की हुई थी, सफाई की थी इस कमरे की, तो मैंने इस कमरे में से खोल दी। इस कमरे में से, कमरे में थोड़ी सी धूप आ जाती है और सामने से कौन आ रहा जा रहा है वो भी दिखता रहता है। देखिए दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बीच कमरे में से सामने गली में से आते जाते दिखते रहते हैं गली में। इसी कमरे के नीचे दुकान थी, वही छोटी सी गली है सामने हमारे, हमने दुकान बंद की है तो एकदम सामने ही गली के एक और दुकान खुल गई है, पहले ही खुल गई थी वो, अब हमने बंद की है, तो सब आके पूछ रहे हैं कि दुकान क्यों बंद कर दी। दुकान बंद करने से सब आते जाते लोग बोलते रहते हैं, दुकान बंद कर दी आपने, दुकान के वजह से बहुत दिक्कत होती है कि आगे जाना पड़ता है। पर मुझे भी प्रॉब्लम है, मेरे पैर से जल्दी जल्दी अभी उतरा चढ़ा जाता नहीं है, और बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। वैसे तो आज लास्ट पेपर है पीयूष का, गोल्डी के पेपर ख़त्म हो गए हैं 12th के, फिर भी गोल्डी दुकान नहीं देख सकता क्योंकि गोल्डी के मैच चले रहते हैं सुबह डेली, वो निकल जाता है मैच के लिए, सुबह निकलता है कभी वो शाम को आता है, कभी जल्दी आ भी जाता है तो फिर 3 बजे वो मैच के लिए चला जाता है। तो इसलिए खाली पीयूष को ही पूरा दिन में दुकान पे नहीं बिठा सकती, और पीयूष दुकान पे भी बैठता है और फिर मेरी हेल्प भी करता है काम करने में, क्योंकि पैर से जल्दी जल्दी हो नहीं पाता, ये पैर बैंड तो बिल्कुल ही नहीं होता है, और जब से इसमें चोट लगी तो बहुत दिक्कत हो गई है, और नीचे उतर भी नहीं चढ़ पाती मैं जल्दी जल्दी, तो वो मेरी बहुत हेल्प करता है। तो दुकान के वजह से, दुकान मेरे ही ऊपर थी क्योंकि सुबह उठकर जल्दी मुझसे, अब पैर के वजह से सर्दी आ रही है, तो इस पैर को एकदम गर्म पट्टी बांध के रखो, और दुकान तो है कि सुबह जल्दी उठ के खोलना होता है, आपको भी पता है 4:30 बजे का रूटीन था जो मैं जल्दी उठती थी, 4:50 का, और 5 बजे तक तो मैं दुकान खोल लेती थी, मगर अब वो संभव नहीं है पैर के वजह से। ये है, अब दुकान नीचे से बंद कर देंगे तो सारा सामान तो सेट हो चुका है, बस वही एक फर्नीचर वाला बोला है इससे वो आ जाएगा। मैं तो कितनी बार जा चुकी हूँ, इसके डैडी गए थे कल, तो कह रहा था कल कारीगर नहीं है कोई, शायद आज वो उसको पाए वगैरह काट देगा, तो आज मेरा काम शाम तक शायद पूरा हो जाए। और दुकान को खाली करने का मकसद कुछ ये भी था, ऊपर हमारा एक ही कमरा है छोटा सा, इस कमरे में एक ही बेड है, और आगे सर्दी से रो रही है, अब मेरे पैर की चोट की वजह से मुझसे नीचे नहीं लेटा जाता, तो हम सोच रहे हैं नीचे कमरा कोई आ भी जाता है तो भी हमें बड़ी दिक्कत हो जाती थी, अब नीचे कमरे में अब सेट हो जाएगा कमरा, उसको सही करके नीचे कमरे के लिए ही वॉलपेपर ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा से मिले, अभी जो मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहे मैं खुद जाऊंगी उनके साथ, अब नीचे का कमरा सेट हो जाएगा, तो ये है कोई मेहमान भी आ जाता है तो हम
फिर उसको बैठने उठने में दिक्कत नहीं होगी, मेहमान आ जाते हैं, आपने कभी भी देखा है मेरी नंद वगैरह बच्चे आ जाते हैं या मेरी सास आ जाती हैं, तो इसी कमरे में हम, यही बेड है, कुर्सी अभी नहीं डाल सकते इसमें, कुर्सी डाल देंगे तो बहुत ही भीड़ हो जाएगी, इसी के ऊपर खाना नाश्ता कराना पड़ता है, मेहमान ऊपर बैठ जाते हैं तो मेरी नंद वगैरह बच्चों वगैरह सबको नीचे बैठना पड़ता है। ये कमरा सेट हो जाएगा तो उसमें ये मेहमान आए कोई भी आए तो दो कमरों में एडजस्ट हो जाएगा, तो मेहमान आते हैं कभी कभी जा रहे तो उनको नीचे बैठना पड़ता है, मुझे भी बड़ा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अब इस कमरे को हम जल्द से जल्द सोच रहे हैं इसका काम शुरू हो जाए और ये सेट हो जाए। चलिए देखते हैं होता है। 3 दिन से वीडियो भी नहीं गई है क्योंकि वो ही दिवाली की साफ सफाई में लगे हैं, रोज 2-3 दिन से दिवाली की सफाई की ही वीडियो जा रही थी, मैंने सोचा रोज एक सफाई ही चल रही है अभी क्योंकि मैं धीरे धीरे कर रही हूँ तो इसीलिए वीडियो नहीं डाली, मैंने कहा रोज वही सफाई दिखाना, शायद आप सोचेंगे एक ही चीज़ रोज रोज दिखा रहे हो। फिर तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी और मेरा भतीजे का बेटा एडमिट है हॉस्पिटल में तो वहाँ भी नहीं जा पाई मैं, मैक्स हॉस्पिटल में हूँ, अब तो शायद आज छुट्टी हो जाए तो मैं घर ही देखे आऊँगी, पैर के वजह से या उनके ऑफिस के वजह से, हम वहाँ भी आईसीयू में था तो आईसीयू में वैसे भी जाने नहीं देते हैं, तो अब वो आज शायद घर आ जाएगा तो शाम को मैं घर पे ही देखे आऊँगी। चलिए रोज बस यही होता है, कहीं आप लोगों को ये ना लगे कि रोज़ बस साफ सफाई घर की वही काम, देखिए हाउस वाइफ का तो यही काम होता है रोज का रूटीन, और खाना वगैरह बनाना, घर की बच्चों की देखभाल, यही होते हैं, मैं हम 4 जने हैं, हम 4 जनों में रोज़ का वही रूटीन हो जाता है, वही रूटीन पड़ता है, बच्चे अभी स्कूल से आए नहीं हैं, खाना वाना सब उनके लिए रेडी मैंने करके रख दिया है, चलिए बच्चे नहीं आते इतने, मैं नीचे बैठी हुई हूँ, सोचा आपसे थोड़ा बात कर लेती हूँ। आज फिर लकड़ी वाले के पास आ रही हूँ, देखिए आ जाए तो बोल के तो आए थे, उसके पास हो आती हूँ, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं, खाना दे दिया उनको और मैं जा रही हूँ लकड़ी वाले के पास, आज हो जाए तो काम रुका पड़ा है इसकी वजह से। फर्नीचर वाले के पास आ रही हूँ मैं, अभी किसी से बात कर रहा हूँ, बेड वगैरह शीशा कुर्सियाँ सोफे वगैरह रखे हैं बना रहे हैं। चलिए मेरी बात हो चुकी है, आज जो मालिक था वो मिल गया उनके, वो कह रहे हैं कि 3 बजे, आज 3 बजे आना और मैं साथ भेज दूँगा कारीगर को, साथ ही वो काट देगा पाए, आपके साथ ही भेज दूंगा। आ गए हम अपनी गली पहुंच गए हैं, चलते हैं, दिवाली के लिए सब डेकोरेशन कर रहे हैं, लड़ियाँ वगैरह लगा रहे हैं, सफेदी वाले लगे हैं, सफाई भी हो रही है, सफेदी चल रही है, सबके घरों में काम हो रहा, चलिए आ गए हैं हम घर पहुंच गए हैं, आज काम हो जाएगा, 3 बजे फिर जाएंगे। ये दुकान के सामने जो काउंटर पड़ा हुआ था वो भी मैंने सुखवा दिया है, सफाई कर रही थी बाहर से, दिखाती हूँ आपको, काउंटर मैंने खत्ते पे फिकवा दिया है, टूट गया था सारा, गल चुका था वो, अपने यहाँ से देखिए धुलाई कर दी है मैंने बाहर गली में, सुबह ही सफाई कर दी थी सब। चलिए चलिए बंद कर देते हैं दरवाज़ा,
ऊपर चलते हैं, ऊपर बच्चे खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। मैं बंद कर देती हूँ कैमरा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। इधर आई हूँ, मेरा बड़ा भतीजा देख छत पे ऊपर लड़ियाँ लगा रहा है, डेकोरेशन शुरू हो गई है, लड़ियाँ लगाना शुरू हो गई हैं, ऊपर लड़ियाँ लगा रहा है। और ये देखिए इधर जो काम चल रहा है, ये बड़े भतीजे का विकास का घर बन रहा है। इधर वाला जो लड़ी लगा रहा है वो छोटा है विक्की, और ये लैंटर डल रहा है बड़े वाले भतीजे के यहाँ। मम्मी के इधर आई थी मैं मिस्त्री को देखने, मिस्त्री का भी थोड़ा सा काम है। इधर मिस्त्री लगे हुए भतीजे लैंटर डल रहा है, इसी मिस्त्री को बुला के भी थोड़ा मिस्त्री का काम भी कराना है। अभी मिस्त्री लंच कर रहे हैं, चलिए थोड़ी देर बैठूंगी। चलिए 3 बज चुके हैं, एक बार फिर जा रही हूँ छोटी वाली के पास, शायद भेज दे, बोल रहा था 3 बजे साथ ही भेज दूंगा लड़के को। तो अब मैं दुकान पे जा रही हूँ, साथ आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, मेरे साथ लड़का आ तो गया है, मगर वो आरी लेके आया था, वो कह रहा है आरी से नहीं, वो और कुछ लेने गया है, कह रहा है उससे फटाफट कट जाएंगे, अभी कर देगा, कह रहा है 5 मिनट नहीं लगेगी, आरी से टाइम लगेगा, तो वो कटर लेने गया है, कह रहा है कटर से फटाफट हो जाएगा। चलिए मैं खड़ी हूँ, कह रहा मैं आ जाऊँगा लेके, आजे पे यही बैठ जाती हूँ, इतने लेके आता है, आज ये हो जाएगा तो आज मैं शाम को ही अपना किचन सेट कर दूँगी सारा इसमें, और यहाँ की भी धुलाई दोबारा हो जाएगी। चलिए कट गए इसके ये पाए, और अब ये किचन में आराम से जा सकता है, अब मेरा काम हो जाएगा, मगर पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं ये, अभी दुकान पे ही जाके इसकी बात करती हूँ। चलिए, बड़ी बहन के घर आई थी, बाहर से वीडियो बना ली मैंने, डेकोरेशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी सजावट कर रहे हैं दिवाली की। इधर मिस्त्री लगे हुए हैं, ये देखिए लड़िया इतनी प्यारी लग रही है, सजा दी है, देखिए सारी लड़िया सजा दी है मेरे भतीजे ने। बड़ी बहन के उधर भी गई थी अभी काम पे, इंची टेप लेने, अरे इधर भी आई हूँ तो इतनी लगा हुआ है, देखिए अभी इंची टेप लेने गई थी मैं घर पे। चलिए अब घर चलते हैं। चलिए दोस्तों, घर आ चुके हैं, सारा काम हो चुका था, अब सुबह बहुत टाइम हो गया है, अब सुबह लगेंगे काम में, आज का भी लोग यही समाप्त करते हैं, कल काउंटर वगैरह ऊपर चढ़वाएंगे, काउंटर के वजह से ही ज़्यादातर काम रुका हुआ था, और काउंटर का आज काम फाइनल हो चुका है। चलिए मिलेंगे कल, बाय। Oh, 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 oh